सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। वो ये है कि मैं जहाँ से हूँ या मेरी तरह के लाखों लोग जहाँ से हैं, सारण से, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बिहार के तीन ज़िले जो हैं वो सारण कहलाते हैं। ये सहोदर हैं, साथ ही रहे, साथ ही पले बढ़े और तीनों ज़िले आज भी साथ हैं, सारण कहलाते हैं। इस सारण का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक लंबी समृद्ध परंपरा रही है और इस इतिहास परंपरा को सहेजने की जिम्मेवारी हमारी है। बात इतनी नहीं है बल्कि मौजूदा दौर में जब दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है, गांव देहात के बच्चे अब हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, देश में गांव देहात के बच्चों के लगातार आगे बढ़ते जाने की मिसालें हमारे सामने आने लगी हैं, ऐसे वक्त में अपने यहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है और अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने या आगे बढ़ाने के साधन संसाधन मुहैया कराने का जिम्मा भी हमारा बनता है। वो इसलिए कि अगर हमने अपनी ज़मीन के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं किया तो फिर अपने राज्य, अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा हम खुद ही लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, करने के लिए हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो कितना सार्थक है ये सोचना हमें चाहिए। उससे हमारा या हमारे अपनों का कितना भला होता है इस पर हमको गौर करना चाहिए। सारण की जो परंपरा रही है, जो इतिहास रहा है, जो पुराण कहते हैं, उसको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि वो मिट रहा है, छीज रहा है, ख़त्म हो रहा है। और जब पहचान ख़त्म हो जाती है तो फिर पहचान का ही संकट खड़ा होता है। इतिहास के साथ जो लोग खड़ा रहते हैं, जो अपनी गौरवशाली परंपरा को लेकर के चलते रहते हैं, उनको समय याद करता है, उनको बार बार समाज याद करता है। हमारे यहाँ कई ऐसे स्थान हैं और हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष रहे हैं, जिस तरह के स्थान, जिस तरह के महापुरुष पूरे हिंदुस्तान में किसी और हिस्से में इतने ही ज़िलों के भीतर या इसी दायरे में मिल जाएं, ये बहुत मुश्किल बात है। गौतम ऋषि का स्थान है छपरा में, आप गौतम स्थान जिसको कहते हैं रिविलगंज। हमारी जो दार्शनिक परंपरा है उसमें एक न्याय दर्शन होता है, छह दर्शनों में एक दर्शन है न्याय का। उस न्याय दर्शन के प्रणेता थे ऋषि गौतम, उनका स्थान है गौतम स्थान। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पहचान खत्म होती जा रही है। उसी तरीके से बगल में गंगा और सरयू का संगम हुआ करता था और उसको हम सिमरिया कहते हैं। सिमरिया इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ से राम और लक्ष्मण आए और फिर वो आगे बढ़े जनकपुर की तरफ। वहाँ अहिल्या का उद्धार राम ने किया था। लेकिन अब सिमरिया का जिक्र जो होता है उसका उल्लेख बेगूसराय से जोड़ करके होता है। हाल ही में जो दिनकर जी की जन्मस्थली है सिमरिया, वहाँ से लोगों ने राम की उस यात्रा को, राम के उस पथ को जोड़ना शुरू कर दिया है, उसके ऐतिहासिक साक्ष्य रखने लगे हैं। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरयू किनारे सिमरिया है नहीं, बेगूसराय है नहीं और ना ही राम उधर गए। राम छपरा से होकर के, सारण से होकर के जनकपुर की तरफ गए और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। 1882-83 के आसपास बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, अंग्रेज थे, उन्होंने संस्कृत के स्कूल खोला था गौतम स्थान में अपने नाम से और ऋषि गौतम के नाम से। यह इसलिए था कि वो गौतम स्थान था और अहिल्या का उद्धार वहीं राम ने किया था। वो एक पौराणिक महत्व की जगह है। इसी तरीके से गजग्राह का जो युद्ध हुआ था, अगर आप भागवत पुराण पढ़ते हैं तो सोनपुर में गंडक नदी और गंगा नदी के मुहाने पर गजग्राह का युद्ध हुआ था और उसको हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, जहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और सोनपुर मेला हम कहते हैं। ये दो इतने बड़े पौराणिक महत्व के स्थल हैं हमारे यहाँ। इसके बाद कुछ ऐसे महापुरुष रहे
जिनका उल्लेख बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति आजाद भारत के, वो सारण के। इस आजाद भारत में जो कांग्रेस की सरकार लगातार चलती रही, उस सरकार को पलटने और नई सरकार को बनाने में जिस महानायक ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसका नाम था जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण सारण के। महात्मा गांधी का जो चंपारण का आंदोलन था, उस चंपारण के आंदोलन में दो बड़े वकीलों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक साहब ने। ये दोनों वैसे वकील थे जो उस दौर में 10,000 रुपये फीस लिया करते थे, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकीलों में से ये दो वकील माने जाते थे। इन दोनों ने अपना पेशा छोड़ा महात्मा गांधी के कहने पर, चंपारण आंदोलन से जुड़े, उसके बाद देश की स्वतंत्रता जो संग्राम की लड़ाई थी उससे उन्होंने अपने आप को जोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा। यह दोनों जो महानायक हैं, यह दोनों विभूतियां सारण की, इनका रिश्ता नाता सारण से रहा। इसके इतर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो लगभग खत्म होते जा रहे हैं, उनकी पहचान भी खत्म होती जा रही है। इन सबको समेटने और सहेजने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। इस लिहाज से एक महोत्सव छपरा में हो रहा है, सिवान में हो रहा है, गोपालगंज में हो रहा है, जिसका नाम है सारणीय महोत्सव। ये महोत्सव वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ भी हैं, जिस कोने में भी हैं, जिस हिस्से में भी हैं, आप इस महोत्सव से जुड़िए, क्योंकि यह अपनी मिट्टी से जुड़ने का अवसर है, अपनी मिट्टी के लोगों के लिए कुछ शुभ करने का अवसर है, जो मातृभूमि का कर्ज होता है उसको चुकाने का अवसर है। इसलिए इस मौके पर खड़ा होने और सारण महोत्सव की तरफ अपना हाथ बढ़ाने और बटाने का ये मौका है। इसलिए मेरा अपना आग्रह है कि सारण महोत्सव, जो कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स करवा रहा है, सिंगिंग कंपटीशन करवा रहा है, यानी कि सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं, खेल कूद के आयोजन हो रहे हैं, इस तरीके से तमाम आयोजन पूरे ज़िले में यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज, सारण के दायरे में हो रहे हैं, और इससे एक जागरूकता पैदा हो रही है कि हम कौन हैं, हमने क्या किया है, हमारे पुरखों ने कितना नाम कमाया है इस देश के लिए, इस माटी से उन्होंने किया है। दो और बड़ी विभूतियां जिनका जिक्र मैंने सोचा था कि बाद में करूंगा, क्योंकि उनके बगैर सारण की पहचान पूरी होती नहीं है। भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, सरस्वती की असीम कृपा उनके ऊपर थी, और भिखारी ठाकुर सारण के, छपरा के। इसी तरीके से भोजपुरी में पूर्वी एक गायन की परंपरा है, यह गीत जिन्होंने लिखा भोजपुरी के उतने बड़े ओजस्वी और प्रसिद्ध कवि, जिनको गा करके कई लोग नामवर हो गए, वो कहाँ के, छपरा के, महेंद्र मिश्र। भिखारी ठाकुर छपरा के, महेंद्र मिश्र छपरा के, जयप्रकाश नारायण छपरा के, यानी कि सारण के, राजेंद्र बाबू सारण के, ब्रजकिशोर प्रसाद सारण के, मजरूल हक साहब सारण के, गजग्राह का युद्ध सारण में, गौतम स्थान सारण में, और इसके इतर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की हैं। इस देश का इतिहास उनको कहीं ना कहीं समेटे हुए है, उनको सहेजने की जरूरत है। जब सहेज करके हम अपनी नई पीढ़ी को बताएंगे और उसको यह सुनाएंगे कि हमने क्या पाया है, हमने क्या अर्जित किया है, तो इस नई पीढ़ी को अपने पुरखों पर, अपनी माटी पर, अपने लोगों पर नाज करने का मौका मिलेगा। इसलिए तरह तरह के आयोजन तीनों ज़िले में होंगे और हो रहे हैं। आप जिस कोने में हैं, जहां भी हैं, आप वहां से आइए, हाथ बटाइए, अपना सहयोग कीजिए, अपनी पहचान को अपने हाथों से सहेजिए, उस गौरव को जीने का मौका एक बार खुद पाइए। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सहयोग कीजिए। सहयोग आकर के भी कर सकते हैं, सहयोग किसी और रास्ते से भी कर सकते हैं, लेकिन सहयोग का एक बहुत मजबूत और बेहतर रास्ता है, वो है
अर्थ का सहयोग। इस सहयोग के बिना कोई भी आयोजन, कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता है। इसलिए स्क्रीन पर जो अब आपको ब्यौरा दिख रहा है, ये सारण महोत्सव का आयोजन करने वाले आयोजकों की तरफ से खोला गया अकाउंट है। इस अकाउंट में अगर आप पैसा डालते हैं तो यह उस ट्रस्ट के हिस्से जाता है जो ट्रस्ट सारण महोत्सव करवा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग सारण महोत्सव को मिलेगा, आप साथ आएंगे। नमस्कार।